वेलकम बैक टू कुक विद अभी। आज हम बनाने वाले हैं चिकन लॉलीपॉप घर पर बड़ी आसानी से। तो शुरू करते हैं। हम लेंगे 250 ग्राम चिकन लॉलीपॉप, हमें किसी भी चिकन शॉप पर ही आसानी से मिल जाते हैं। अच्छे से धोकर हम इन्हें ड्राई कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद नहीं करते तो आप 1 चम्मच भी डाल सकते हैं। फिर हम डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार, एक चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, 1/2 नींबू का रस, 1/2 चम्मच को सारे मसालों से कोट कर लेंगे। अब हम इसमें सोया सॉस भी ऐड कर लेंगे और इसे 1/2 घंटे के लिए मैरिनेट होने देंगे। अब चलते हैं अपने चिकन लॉलीपॉप की कोटिंग की तरफ। हम लेंगे 1 कप मैदा और 1/2 कप कॉर्नफ्लावर। मैदा और कॉर्नफ्लावर का रेशियो हमें 1:1/2 रखना है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहे तो थोड़ा रेड फूड कलर भी डाल सकते हैं। अभी हमें इसमें पानी ऐड करके इसका एक थिक पेस्ट बनाना है। यहाँ पर मैंने 1.5 कप पानी यूज किया है। बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह होनी चाहिए। अभी हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप की ओर। एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। हम मैरिनेटेड लॉलीपॉप्स को हमारे बैटर में डिप करके उन्हें फ्राई करेंगे। ये याद रखिए कि हमें कढ़ाई को ज्यादा क्राउड नहीं करना है। मैं यहाँ पर सिर्फ 4 लॉलीपॉप्स को फ्राई कर रहा हूँ। तब तक आप इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी ये पक गए हैं और ऊपर से क्रिस्पी भी हो गए हैं। अभी हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी के लॉलीपॉप्स को भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। हम इन्हें शेजवान चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। हमारे चिकन लॉलीपॉप्स रेडी है। इस वीडियो को तो आपने लाइक किया ही होगा। अगर नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार मिलेंगे आपसे नई रेसिपी के साथ।